वेलकम बैक टू माई चैनल। और कैसे हैं आप लोग सब? अभी आज आखिरी दिन है अपना तरावी में और करीबन एक घंटा है मेरे पास और मुझे तुरंत ब्रेकफास्ट करने जाना है। मैं तरावी से चेकआउट कर रहा हूँ और जा रहा हूँ फुकेट बाय फेरी। और धूप बहुत ज़्यादा तेज़ है। जितना भी साउथ का एरिया है थाईलैंड का, वहाँ पर ट्रांसपोर्ट थोड़ा महंगा है, तो आप कभी भी अपने हॉस्टल या होटल से निकलना, अगर ज़्यादा दूर हो तो मेरी तरफ लिफ्ट ले लेना। 200-250 रुपये ये मिनिमम चार्ज है इनका, वो तो लेते ही लेते हैं। तो आप कभी भी यहाँ पे आना, मैं मैकडोनल्ड्स आ चुका हूँ, आप कभी भी निकलना। इतने सारे टूरिस्ट अपनी स्कूटर से जा रहे होंगे, बाइक स्कूटी से, सो आप उनसे लिफ्ट ज़रूर लेना, वरना फालतू के पैसे बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं है। जी निकल चुके हैं फुकेट के लिए। ये अपनी ये जो बस है ये मुझे लेके जाएगी फेरी तक और फेरी से मैं जाऊंगा फुकेट। अभी फ़िलहाल यहाँ पे 2:15 बज रहा है और 3 बजे फेरी चलने वाली है। ये लोग बहुत ही टाइम के पाबंद होते हैं गाइस, तो आप ये कोई भी टाइम दे आप हमेशा टाइम पे आना, क्योंकि ये लोग फिर छोड़ के चल देते हैं, उसका कोई वो नहीं है। सो गाइस मैं पहुँच चुका हूँ अपने पियर पे और यहाँ से फेरी लेके जाएगी फुकेट के लिए। करीबन अभी आधा घंटा है निकलने में यहाँ से। करीबन 300 लोग होने वाले हैं फेरी में। फुल एयर कंडीशन फेरी होती है यहाँ की, बहुत ही ज़्यादा सीनिक व्यूज़ होते हैं। तभी मैंने रोड ट्रिप को छोड़ के फेरी चूज़ करी, ताकि मैं आप लोग को भी दिखा पाऊँ। फेरी फास्ट भी होती है, सो आप एनी टाइम फेरी प्रेफर करिएगा, क्योंकि 2 घंटे में पहुँचा देगी फेरी और रोड ट्रिप यहाँ से 4 घंटे की है। तो गाइस ये अपनी फेरी है, अब पता नहीं फेरी है या बोट है, इससे जाने वाले हैं हम लोग फुकेट। ये नीचे एसी कैबिन है, इसमें बैठेंगे। व्यूज़ आप देखो, बहुत बढ़िया व्यूज़ है यहाँ से। ये मेरा बैग है। तो जी करीबन आधा घंटा हो चुका है और हम लोग ने फुकेट छोड़ दिया है। जैसे कि आप देख सकते हो बहुत सारे लोग हैं मेरे पीछे और अंदर भी बहुत सारे लोग हैं जो कि जा रहे हैं फुकेट के लिए। सी की जर्नी होती है बहुत ही अच्छी होती है, आप जो रोड के ट्रैफिक जैम्स वगैरह होते हैं उन सबसे एकदम फ्री होते हो और बहुत ही पीसफुल एंड क्वाइट जर्नी होती है। तो आप कभी भी अगर खराबी आओ तो अगर फुकेट जाना तो बाय सी जाना, और सबसे बड़ी चीज़ बहुत ही ज़्यादा कॉस्ट इफ़ेक्टिव होती है। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं किसी भी जर्नी में। ये कोई बोट ख़राब हो गई है तो उसके पैसेंजर्स ये लोग ट्रांसफ़र कर रहे हैं। व्हाट्स योर नेम? मेलेडी। मेलेडी फ्रॉम नेदरलैंड। डिड यू लाइक क्राबी और नॉट? इफ आई न्यू दिस वाज हियर आई वेंट टू सुपर सो ओके। सो आर यू गोइंग टू बी इन द फुल मून पार्टी टुनाइट? नो यू व्हाट? या ऑफ कोर्स या या I just met this man. What is your name? Patrick. What? Patrick. Patrick. He's Patrick from? Ireland. Ireland. But he lives in UK. ज़्यादा मज़ा आ रहा है, बहुत टाइम बाद मैं कोई ऐसी ट्रिप कर रहा हूँ आज।
में से एक है पब्लिक वैन, आप किसी भी वैन को बुक करके जा सकते हो जो कि करीबन कॉस्ट इफेक्टिव है, 1100 रुपये की पड़ती है। ये आप एक फेरी ले सकते हैं जिसमें मैं हूँ इस समय, ये 1400 रुपये की पड़ती है, लेकिन ये 1.5 घंटे में पहुँचा देती है। वैन होती है उसको 5 घंटे लगते हैं क्योंकि वो बाय रोड जाती है। और क्राबी से फुकेट यू शेप है, ठीक है, जैसे यू शेप में अगर आप ट्रैवल करोगे तो आपको ऐसे पूरा घूम के जाना पड़ेगा, लेकिन अगर आप फेरी से चलते हो तो डायरेक्ट आपको पहुँचा देगी, बहुत ही ज़्यादा कन्वीनियंट है। फेरी से आप यहाँ की सी लाइफ का भी मज़ा उठा सकते हो, इसमें करीबन ऐसी सीटिंग होती है। आप जैसे ही बाहर आओगे आप ऐसा भी इंजॉय कर सकते हो। स्वागत हो चुका है अपना फुकेट में, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। यहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा कम है, गर्मी भी बहुत ज़्यादा कम है। ये अपनी शटल बस है जो अपने हॉस्टल तक लेके जाएगी, करीबन 18 किलोमीटर की जर्नी है। चलिए मैं हॉस्टल पहुँच के आपसे आगे बात करता हूँ।